निजामुद्दीन जलसे में शामिल होकर लौटे चूरू जिले के अब तक 9 तबलीगी जमात के लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। कर्फ्यू के तीसरे दिन चूरू जिला मुख्यालय पर 3 ड्रोन से शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। इन ड्रोन कैमरों के जरिए मरकज मस्जिद एरिया की गली मोहल्ले, नई सड़क, गढ़ चौराहा, पंखा सर्कल आदि इलाकों में निगरानी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों के आने जाने और कर्फ्यू की पालना के लिए निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन का उल्लंघन होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस गश्ती दल को निर्देशित भी किया जा रहा है। ये ड्रोन कैमरे 500 मीटर ऊंचाई और 2 किलोमीटर तक क्षेत्र में 20 मिनट तक एक बार में निगरानी रखने के लिए सक्षम है। ड्रोन कैमरों की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपको बताते जाएं कि चूरू जिला मुख्यालय और सरदार शहर में 1 अप्रैल की रात से कर्फ्यू जारी है। 2 दिन के बाद में कर्फ्यू में शिथिलता देते हुए दूध और सब्जी की घर घर जाकर सप्लाई करने की छूट दी गई है। लेकर नगर पालिका क्षेत्र चूरू में प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है, जिसकी पालना करवाई जा रही है तथा लोगों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। जहां कहीं भीड़ दिखेगी वहां गश्त करवाई जाएगी। वैसे ड्रोन देखा तो कोई लोग घरों में दिखाई देंगे। अभी जो ड्रोन पूरे लगभग पूरे चूरू क्षेत्र में घुमाया गया है, लेकिन जहां पॉजिटिव केस मिले हैं वहां ज़्यादा इसकी ड्रोन द्वारा निगरानी की जाए।